हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल ए आर राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डील किया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी के अच्छे सवाल करेंगे हम लोग, बेहतर एक बेसिक फर्क जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय सेल्फ राहुल गुप्ता, आप देख रहे हैं प्यारा से चैनल ए आर राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों, आप हेडिंग लगाइए, है ना, कॉपी को दो भाग में बांटिए, है ना। एक तरफ लगाइए हेडिंग बच्चों, एक तरफ हेडिंग लगा लीजिए स्पीड और एक तरफ अपन हेडिंग लगा लेंगे वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो बच्चों, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बटा टाइम। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बटा टाइम बोलते हैं। डिस्टेंस बटा टाइम को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है बच्चों अपना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। दूसरी बात अगर हम बात कर ले तो बच्चों, इसकी अगर हम बात कर ले तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी आता है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है ना। ये है वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें होगा, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। अगर हम यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज एसआई यूनिट, है ना। ये कौन सा यूनिट है अपना? एसआई यूनिट है, ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम किलोमीटर प्रति घंटा की भी बात कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति पर आवर, है ना, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड की भी बात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं यूनिट, लेकिन जो आपका बेसिक यूनिट है या जो आपका ऐसा यूनिट है वो है मीटर प्रति सेकंड। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें यहाँ पे यूनिट का, तो यूनिट आपका सेम होने वाला है, एकदम सेम। चलिए चौथा पॉइंट अगर देखें डायमेंशन, अगर हम बात करें डायमेंशन की, किसकी बात करें? डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होने वाला है? एल टी माइनस वन। आपको ही पता है डायमेंशन क्या होने वाला है स्पीड का? एल टी माइनस वन होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात कर ले तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होने वाला है? एल टी माइनस वन ही होने वाला है, है ना। फॉर्मूला सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और टाइम का वही होता है जो डिस्टेंस का होता है। चलिए पांचवी बात अगर हम कर ले बच्चों, तो आपका स्पीड दो प्रकार का होता है, है ना। स्पीड आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक हम लोग लिखते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड। क्या लिखते हैं? एवरेज स्पीड। और एक लिखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये होता है एवरेज और ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी प्रकार अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी अपना दो प्रकार का होगा। एक होगा हमारा एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और एक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए निकाला जाता है? फॉर टाइम इंटरवल। ये किसके लिए होता है? फॉर टाइम इंटरवल के लिए होता है। ये फॉर टाइम इंटरवल के लिए काम करता है, जबकि ये काम करता है फॉर फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम अगर होगा, अगर टाइम फिक्स होगा, है ना, टाइम फिक्स होगा तो करेगा इंस्टेंटेनियस काम। वैसे ही सेम चीज यहां भी है, ये काम करेगा टाइम इंटरवल के लिए और ये काम करेगा फिक्स टाइम के लिए। तो फॉर्मूले की बात हम लोग बाद में करते हैं, फॉर्मूला तो हम लोग बाद में डील करेंगे। आप पहले ये समझ लीजिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप रांची से दिल्ली के लिए निकले या रांची से पटना के लिए निकले, है ना। आप समझिए इसको, है ना, मैं पहले आपको समझाता हूँ। आखिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालते क्यों है, क्या फर्क है दोनों में, ठीक। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम दो पॉइंट ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम एक पॉइंट ले लिए रांची और एक पॉइंट हम ले लिए अपना पटना, ठीक है। और हम कहां से कहां जाने वाले हैं? रांची से पटना जाने वाले हैं, ठीक है। एक खास डिस्टेंस होगा अपना उसका। अब मान लो आप यहां से कार चलाना स्टार्ट किए, तो आप ही बताओ बच्चों, आप जब यहां से चलाना स्टार्ट करोगे तो क्या आप हमेशा एक समान वेलोसिटी से चलोगे, एक समान स्पीड से चलोगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि रास्ते में आपको ट्रैफिक मिले तो आपने स्पीड कम कर दीजिए, या हो सकता है रास्ते में आपको ठोकर मिले स्पीड और कम हो जाएगा। कभी कभी खाली रास्ता देखोगे, गाड़ी तेज दौड़ाने लगोगे, स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ना जी। गाड़ी गाड़ी बहुत तेज कर दोगे तुम, 80 का रफ्तार, 60 का रफ्तार, 90 का रफ्तार, ऐसे पकड़ने लगेगा। ट्रैफिक आ गया, गाड़ी धीमा कर दोगे, ऐसे थोड़े ना उड़ा के ले जाओगे किसी को, ठीक है ना। तो आप ट्रैफिक जैसे ही आ गया धीमा कर दोगे, है ना। कभी कभी ऐसा होगा चाय नाश्ता के लिए रुकोगे कहीं पे, तो आपकी कभी कभी स्पीड शून्य हो जा रही है, कभी कभी स्पीड आपकी कम हो जा रही है ठोकर के कारण, ब्रेकर के कारण, कभी कभी आपकी स्पीड बहुत बढ़ जा रही है। तो एवरेज का मतलब है कि आपका जितना भारी स्पीड चेंज हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आप पटना से,
है ना, या रांची से पटना जाते वक्त 1000 बार स्पीड चेंज की, कितना बार? 1000 बार। तो उन हजारों स्पीड को हम लिखेंगे और बटा 1000 से भागा देंगे, वो है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या बताता है, एक टाइम इंटरवल के बीच में आपका एक मान बता देगा लगभग में, मान कि हाँ लगभग आप इससे चले होगे तो आप लगभग यहां से पहुंचे हो। क्लियर है ये बात? जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी को ऐसे बोल दूं कि तुम्हारी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि लगभग तुम 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए हो, इसका ये मतलब है ना। तो बच्चों अगर आप स्पीड किसी की लिखे हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे समझो घंटा एक बड़ा समय है, ये एक बिग टाइम है, बड़ा समय है, लार्ज टाइम है। और लार्ज टाइम है मतलब ये टाइम इंटरवल हुआ, एक घंटे का समय अंतराल है, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। तो बच्चों अगर एक घंटे का समय अंतराल लेके चल रहे हो तुम, तो बिल्कुल ही एवरेज लिखा हुआ है, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आप लगभग जो आपको पहुंचने में समय लगा होगा, मतलब आप कभी कभी चले होगे 60 से या 90 से या 100 से, तो आपको लगभग जो समय लगा है ना, लगभग ऐसा हुआ कि एक घंटा में लगभग आप 50 किलोमीटर चले, मतलब एवरेज डाटा दे दिया। वही मान लेते हैं कि तुम 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, है ना, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले। तो ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, 1 घंटा है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है एवरेज के बारे में बात किया जा रहा है। वैसे अगर मैं ये पूछता कि 45वें मिनट पर बताइए तुम्हारी स्पीड क्या थी, 45वें मिनट पे बताओ तुम, तो अब बता, अब देखना पड़ेगा कि 45वें मिनट पे तुम रुके हुए थे, कि 45 मिनट पे खाली रास्ता मिला था, कि 45 मिनट पे ठोकर मिला था। तो वो एक फिक्स समय की बात कर रहा है, एक फिक्स टाइम की बात कर रहा है कि जब 45 मिनट बीता था तब क्या हो रहा था, तब स्पीड कितनी थी। वैसे स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण का बता दे। क्लियर हो रहा है ये बात? तो जब हमारे पास टाइम अंतराल का हम निकालेंगे स्पीड ना, तो उसको कहेंगे एवरेज स्पीड, और एक फिक्स समय के लिए निकालेंगे तो बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए क्लियर हुआ। तो बच्चों अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर लें, है ना, या एवरेज वेलोसिटी, ठीक, तो अगर हम बात कर लें एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा अपना, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, टोटल टाइम लिखना है। ऊपर लिखना है टोटल डिस्टेंस और नीचे क्या लिखना है, टोटल टाइम, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ ले तो ऊपर लिखेंगे ds बटा dt। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी डिस्टेंस का, s डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, ये s अपना डिस्टेंस है, है ना, डिस्टेंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे अगर हम बात कर ले एवरेज एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। इसके अलावा हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं यहाँ पे, कि h2 - s1 / t2 - t1, ये भी यूज करेंगे, बताएंगे कहाँ यूज करना है। तो ये भी एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपका इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिखेंगे ds बटा dt। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए जब तक सवाल नहीं करेंगे एहसास कैसे होगा, तो चलिए सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं। तो पहला सवाल लिया जाए, पहला सवाल क्या है कि मोहन ट्रैवल, है ना, ट्रैवल रांची टू पटना विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देख रहा हूँ ये दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रैवल किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर से रांची से पटना गया है, एक फिक्स स्पीड दिया हुआ है। एंड ही रिटर्न, वो रिटर्न होता है, ही रिटर्न विथ स्पीड है ना 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मोहन, ये आपका सवाल है, ठीक। अब कैसे करेंगे बच्चों, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले कि यहां से यहां गया फिर रिटर्न हुआ, तो आप फिगर बनाइए पहले,
तीन चीजों की आवश्यकता होगी, एक टाइम की आवश्यकता होगी, एक डिस्टेंस की आवश्यकता होगी और एक स्पीड की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि हम रांची, ठीक, और यहां से आपका पटना हो गया। मान लेते हैं कि इधर से इधर जाते वक्त समय टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डी, क्योंकि वापस आते वक्त भी डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, इसलिए डी माने हैं, डी वन डी टू नहीं माने, क्योंकि समय तो डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा, चाहे रांची से पटना का डिस्टेंस चाहे पटना से रांची का डिस्टेंस, वो तो बराबर है। अच्छा, इधर से जाते वक्त चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, समय लगा होगा टी वन, मान लेते हैं टी वन समय लगा। वापस आते वक्त वो चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, तो समय बदल गया होगा, समय हो गया होगा टी टू, तो हर चीज लिख लिए हम। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, तो डी प्लस डी, और टोटल टाइम कितना, टी वन प्लस टी टू। डी डी को डी तो टू डी हो गया, ये टी वन का मान। अब टी वन क्या लिखोगे, तो समय है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, क्योंकि देखो चाल आप क्या लिखते हो, चाल स्पीड क्या लिखते हो, स्पीड लिखते हो डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस दूरी को कहते हैं, टाइम समय को कहते हैं, तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेजो, आप लिखते हो ना जी ये क्या कि जो अपना आप स्पीड लिखते हैं वो स्पीड कितना लिखते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम अगर लिखना हो तो टाइम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड, ये लिखेंगे, तो डिस्टेंस बटा स्पीड बैठा दीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी बटा चालीस, और ये टी टू कितना हो जाएगा, डी बटा साठ, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा टू डी, और 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 40 3 120, तो 3D प्लस 60 दूनी 120 तो 2D, तो हो जाएगा 2D बटा 5D गुना, ये पलटेगा 120 तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो DD यहाँ से कट रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 5 से कटेगा ये, और ना तो 5 दूनी 10 2 0 पंचों का 20, तो आ रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका आंसर, कितना आंसर आ रहा है, 48 किलोमीटर पर घंटा। चलिए तो ये सवाल आपको समझ में आया, नेक्स्ट सवाल पे फोकस करते हैं। तो मोहन ट्रेवल रांची टू पटना विथ डिस्टेंस ऐसे था ना, तो चलिए ये सवाल हम इसी में थोड़ा सुधार करेंगे बस, है ना, मोहन ट्रेवल रांची टू पटना, ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं यहाँ से। चलिए क्या दिया यहाँ पर, है ना, अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी पूछा था पिछले सवाल में, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, रिटर्न हुआ है, सॉरी मैं बताना भूल गया, पिछले सवाल में एवरेज वेलोसिटी भी पूछा था, तो पहले रांची से पटना गया है, फिर पटना से वापस रांची आया है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो शून्य हो गया, क्योंकि जहां से चला वापस वहीं पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी शून्य होगा, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट शून्य है, जहां से चला रिटर्न होकर वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, है ना। तो मोहन ट्रेवल रांची टू पटना विथ स्पीड ही कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, आधा डिस्टेंस किससे चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर विथ, है ना, ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मोहन, ठीक, कुछ ऐसा सवाल है। आधा डिस्टेंस किससे कवर किया है, अगर हम बात करें फिर से चला है बच्चा वो रांची से पटना गया है, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया हमने, आधा डिस्टेंस को बोल देते हैं डी, बचे हुए आधा डिस्टेंस को बोल देते हैं डी, अब तुम डी बटा टू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा ये वाला कवर किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये कवर किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, समय लगा होगा T1, समय लगा होगा T2, क्योंकि अलग अलग समय लगा होगा जाने में, है ना, क्योंकि अलग अलग रफ्तार से चला है वो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डी प्लस डी, फिर से 2D, और टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 जाने में आधा, फिर T2 आधा जाने में, तो D प्लस D कितना हो रहा है बच्चों, 2D, और ये हो जाएगा आपका T1 कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो बटा 40, और यहाँ हो जाएगा D बटा 30।
तो अगर हम यहां से देखिए तो ऊपर तो आ रहा है 2D, नीचे एलसीएम हो जाएगा 40 और 30 का, फिर से 120 ही हो रहा है ना, 120 ही हो रहा है, 40 तिया 120 तो 3D, 3 चौका तो 4D, तो आ रहा है 2D बटा 7D गुना 120 ऊपर चला जाएगा, DD कट रहा है, 7 से आप काटो तो आ जाएगा 240 आ जाएगा ना, 240 बटा 7 तो लगभग ये आ रहा है 21 30 तो 7 चौका 28 है ना, 20 7 दूनी 14 लगभग कितना रहा है 34.2 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपका आएगा ना एवरेज स्पीड, वो दिए हुए डाटा के बीच में ही आंसर कहीं आएगा, जैसे 30 और 40 के बीच में आंसर आया है 34.2 लगभग, जैसे पिछला वाला सवाल में 40 और 60 था तो एवरेज स्पीड आपका गया था 48 लगभग जो है ना, एकदम सेंटर नहीं बोल रहे माने के, हम बोल रहे उन दोनों मानों के बीच में कहीं आंसर आएगा, हम ये बोल रहे हैं ठीक है ना। तो आंसर कितना आ रहा है 34.2 किलोमीटर बराबर, क्लियर ये बात। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कैसे सवाल मिलते हैं हमको। इसके और भी अच्छे से सवाल है एम करीम बुक में, है ना, आप एम करीम बुक जरूर सॉल्व किया कीजिए, बहुत अच्छी बुक है ना, न्यूमेरिकल फिजिक्स के लिए बेसिक अगर आपको क्लियर करना है ना तो बहुत अच्छी बुक है ना, उसके बाद ही आप एससी वर्मा को छूएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है। तो आपको एम करीम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, आप अगर आप सर्च कर लोगे एम करीम मोशन चैप्टर या राहुल गुप्ता DNA क्लासेस तो आपको मिल जाएगा ये चैप्टर, और इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहाँ पे कैसे हम, तो बहुत सारे सवाल लिए हैं वहाँ पे। तो अगर आपके पास एम करीम का बुक है या आप एम करीम का बुक नहीं भी रखे हो तो भी आप सवाल देखोगे आपको समझ में आएगा, आप सारा सवाल डील कर लीजिएगा, तो जरूर वो लेक्चर देख लीजिएगा है ना। चलिए आगे अगर हम बात कर लें, कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपको मिलेंगे, किस प्रकार के सवाल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको आपको क्या करेगा, वेलोसिटी दे देगा वो, है ना। अच्छा इस सवाल में हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाले, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो देखो जितना गया है एकदम सीधा सीधा गया है, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट था, तो जितना डिस्टेंस था उतना डिस्प्लेसमेंट था, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी वही आएगा जो एवरेज स्पीड आएगा, है ना, एवरेज स्पीड आएगा। तो आंसर कितना आ रहा था 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर मिलेगा हमारा एवरेज वेलोसिटी भी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए हैं यहाँ पे, रिटर्न तो हुआ नहीं है, तो फिर आंसर उतना ही रहेगा ठीक है। तो किस इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, और आपको सवाल कैसा मिल सकता है कि आपको वेलोसिटी आपको क्या करेगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा, इस प्रकार के सवाल देखिए, जैसे एस बराबर दे देगा, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे देगा, क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे देगा। तो एस बराबर जैसे मान लो दे देगा t²+3, क्या दे देगा, एस बराबर t²+3, और आपसे पूछेगा फाइंड वेलोसिटी है ना, फाइंड वेलोसिटी पहला सवाल इन फोर सेकेंड, दूसरा एट 4 सेकेंड, देखो दोनों अलग अलग सवाल है, 4 सेकेंड में पूछा है, 4 सेकेंड में का मतलब समझते हो, 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में बताइए कि वेलोसिटी कितनी है ठीक, और दूसरा पूछ रहा है कि एट 4 सेकेंड में बताइए, 4 सेकेंड पर बताइए कि चौथे सेकेंड पर कितना है वेलोसिटी, तो ये वाला नीचे वाला इंस्टेंटेनियस निकलेगा, ऊपर वाला एवरेज निकलेगा, ये खुद पहचानना पड़ेगा तुमको है ना, वो सवाल में लिखो कि नहीं देगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जब सवाल करेंगे सॉल्व तो आपको बस ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा एवरेजेस, तो होता है s2 - s1 / t2 - t1, ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है। s2 का मान कैसे बैठाएंगे, तो जो s का मान दिया है t²+3, और हमको जो शुरू वाला जो निकाल रहे हैं v एवरेज किससे किसके बीच निकाल रहे हैं, 0 से 4 सेकेंड के बीच में निकाल रहे हैं, तो फाइनल टाइम हमारा 4 है, तो s2 में फाइनल टाइम लिखेंगे, तो t का मान हम 4 बैठाएंगे, तो 4 का स्क्वायर और +3 बैठाएंगे, फिर से समझिए कैसे बैठाएं हम मान, s2 का मान फाइनल टाइम वाला बैठाएंगे, तो फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम 4 सेकंड है, जैसे मान लो होता 0 से 5 सेकंड, तो यहां बैठाते 5 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर +3 लिख देते हैं, यहां पे 4 सेकंड पे है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये मान हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 सेकंड, s2 - s1 इनिशियल वाला लिखेंगे, इनिशियली 0 था, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 बटा फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 0, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 और 3 19, 19 में से ये 3 जाएगा, तो ऊपर बचेगा 16 और नीचे बचेगा 4, तो बचेगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर एक आंसर हो गया।
आ रहा समझ में ये बात। चलिए अगर हम सेकंड दूसरे सवाल को सॉल्व कर ले तो आपसे पूछा है भी इंस्टेंटेनियस, क्यों? क्योंकि फिक्स समय दिया हुआ है एट 4 सेकंड पे, बताइए। तो हमको करना क्या है, ds बटा dt। तो d बटा dt डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, t स्क्वायर प्लस 3 का, है ना। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t। अब पूछोगे सर कैसे हो गया, देखो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, कुछ को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे d बटा dx, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1, n आगे आ जाता है तो nx n माइनस 1, ये n आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पे t स्क्वायर था, t स्क्वायर को केवल t ही पहचानेगा, इसलिए dt t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 आगे आ जाएगा और t का पावर 1 घट जाएगा, n आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक पावर घट जाएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन। एक बात और समझिएगा, कहीं मान लेते हैं dx बटा dx लिखा मिल जाए तो 1 होगा, जो यहाँ लिखा मिल जाए वही हो। अब मान लेते हैं कभी d बटा dx और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा मिल जाए, कांस्टेंट कोई एक ऐसा मान जिसको x नहीं पहचानता है तो 0। x जो है वो कांस्टेंट को थोड़े पहचानेगा, तो x किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके क्या देगा, 0 देगा। ये तीनों फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको मैक्सिमम सवाल, आप फंसोगे नहीं सवालों में, ठीक है। तो 2t, और देखो t का डिफरेंशिएशन t कैसा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तीन को थोड़े ना t पहचानता है जी, तीन में अगर t रहता ना तब उसको पहचानता, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, dt बटा dt 1 हो जाता, केवल 3 बचता। तो यहां तो 2t हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, 2t। तो यह आ जाएगा 2t, और t का मान कितना दिया है, कितने सेकंड में पूछा है, 4 सेकंड पे, एट 4 सेकंड पूछा है, तो लिखेंगे 2 × 4, तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, कुछ इस प्रकार के सवाल। तो आपको s दे देगा, आपको s और टाइम का इक्वेशन दे देगा, और आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा। क्लियर ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे और भी सवाल कर सकता है, जैसे मान लेते हैं इसी सवाल में आपसे ऐसे पूछ लेगा, सवाल नंबर तीसरा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितना चला ये पूछ लिया मान लेते हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट का तो पता ही है, डायरेक्ट हमको डिस्प्लेसमेंट में पता है कि टी स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, तो टाइम का मान बस डाल दो 6 आ जाएगा, तो इस बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 3, तो 6×36 और 3 39 मीटर चला है, 6 सेकंड में कितना चला है, 39 मीटर चला है। तो कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि आपको डायरेक्ट दे देगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, बताइए 3 सेकंड पे कहां पहुंचा, 4 सेकंड पे कहां पहुंचा, 5 सेकंड पे कहां पहुंचा, मान रखो आप, जैसे मान रखोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर ये बात। चलिए एक इस प्रकार का सवाल बोल सकता है कि आपको वेलोसिटी दे देगा, क्या करेगा, वेलोसिटी दे देकर के डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, उल्टा सवाल। फिर इस सवालों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे डील किया जाता है, आसान भाषा में सिखाऊंगा, है ना, कैसे ट्रिक बताऊंगा मैं इसका बाद में, जब मैं वेलोसिटी का कन्वर्जन सिखा दूंगा, एक्सेलरेशन का कन्वर्जन सिखा दूंगा ना, तब फिर हम लोग सवाल करेंगे, जब एटी कर्व सीख लेंगे, वीटी कर्व सीख लेंगे, ये सब सीख लेंगे ना, तब हम वो ट्रिक करेंगे। अभी एक सवाल लीजिए आप, कुछ इस प्रकार का सवाल है, देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी दिया हुआ है, इस बार हमको वेलोसिटी दे दिया है, सवाल में क्या दे दिया है, वेलोसिटी बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3, कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस, वेलोसिटी दे दिया है टी स्क्वायर प्लस 3, ऐसे करके दे दिया है, ठीक। चलिए क्लियर ये बात। अच्छा, और हमसे क्या पूछा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन 1 से 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है ds बटा dt, t को इधर ले आओ तो यहाँ से ds आ जाएगा, v dt क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं अपन, है ना। तो बच्चों यहाँ से आप ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन करना होगा, तो ds का इंटीग्रेशन, v dt का इंटीग्रेशन, क्यों इंटीग्रेशन किए, क्योंकि dt ऊपर आया है। देखो ये बात आप समझिए, जैसे अगर ऐसे लिखा मिले d बटा dx x का पावर n, तो हम लोग लिखते हैं nx n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर ऐसे मिल जाए इंटीग्रेशन xn dx, देखो dx अगर ऊपर आ जाता है, xn के साथ ही dx है तो इंटीग्रेशन, xn के नीचे है dx तो डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n प्लस 1, है ना, x बराबर होता है n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे हम वी डी टी लिखेंगे। चलिए ds का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, कि किसी भी dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन मतलब होता है dx, छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ रहे हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल x आ जाएगा, dx, बहुत सारे x को, dx को जोड़ रहे हैं। और एक बात और ध्यान लीजिए कि मान लेते हैं कोई कांस्टेंट लिखा रहेगा, गुना यहाँ पे dx मिल जाएगा लिखा हुआ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो कांस्टेंट गुना x,
x, ये हो जाएगा डिफरेंस। तो ये इंटीग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, तीन आपको बहुत काम आने वाला है ये। चलिए ds का इंटीग्रेशन कितना, s लिख देंगे, जैसे dx का x लिखे थे, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। चलिए v का कितना मान दिया है, t स्क्वायर प्लस 3 dt, ये dt दोनों में मल्टीप्लाई होगा, t स्क्वायर dt और 3 dt लोअर लिमिट। तो टाइम कितना से कितना, 1 सेकंड से टाइम कितना निकालना है, 3 सेकंड लिख दिए। अच्छा s का मान t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अनुसार टूटेगा, x का पावर n से, है ना, तो t का पावर हो जाएगा 2+1/2+1 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, x का पावर होता है n+1/n+1, हायर लिमिट कितना 3, लोअर लिमिट कितना 1, प्लस प्लस 3 dt का करेंगे इंटीग्रेशन, तो 3 को 3 लिखेंगे और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है 3 dt, है ना, तो 3 देखो कांस्टेंट गुना dx, तो कांस्टेंट को बाहर और dx का x, वैसे ही 3 dt है तो 3 को 3 लिख दिया, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t, ऊपर में 3 नीचे में 1, है ना, हायर लिमिट लोअर लिमिट। चलिए मान बैठा लीजिए यहां से, तो s बराबर आपका कितना आ रहा है, तो देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, क्योंकि हमको केवल हायर लिमिट और लोअर लिमिट में वेरिएबल का मान बैठाना होता है, 3 टी का मान बैठाएंगे केवल, तो हो जाएगा टी क्यूब और 1/3 को बाहर कर दिए अपन, तो टी क्यूब का मान कितना बैठेगा 3 से 1, प्लस 3 को बाहर कर दिए, टी का मान कितना बैठेगा 3 से 1। चलिए बैठाते हैं मान, तो यहां से एस बराबर आ रहा है अपन का, एस बराबर कितना आ रहा है मान बैठाते हैं, तो एस बराबर आ रहा है अपन 1/3 बाहर निकाले, एक बार हायर लिमिट बैठाएंगे तो 3 को अंदर बैठाएंगे, तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 को बाहर करो, t का मान बैठाना, तो एक बार बैठाएंगे 3, एक बार बैठाएंगे 1, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t क्यूब था तो एक बार 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फिर 3 को बाहर किए, t था यहाँ पे, तो एक बार 3 और एक बार 1 बैठाए हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 1/3, 3 × 9=27, और 27 में से 1 जाएगा तो 26, तो हो जाएगा 26/3, प्लस 3 में से गया 2, 2 × 6, तो हो जाएगा 26/3 प्लस 6, एलसीएम ले लो 3 आ रहा है, तो 6 × 3=18, तो 26+18 बन रहा है ये, तो 8×6=14 हो गया, और 2×1=3=4 हो गया, 44/3, तो लगभग इतना मीटर आपका आंसर बन रहा है, 44/3 मीटर, कितना आंसर बन रहा है 44/3 meter। तो इस प्रकार ऐसे सवाल किए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको कि अगर कभी वेलोसिटी दे दे, क्या दे दे बच्चों, वेलोसिटी दे दे, है ना, वेलोसिटी दे दे टाइम के साथ, और हमसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बता लीजिए, हाँ वेलोसिटी दे करके वेलोसिटी ही पूछेगा, टाइम जैसे दिया रहेगा कि 3 सेकंड में बताइए, 4 सेकंड में बताइए, तो डायरेक्ट मान रख देंगे ना जी, क्या दिक्कत है, जैसे ये तो एक फाइन डिस्प्लेसमेंट पूछा 1 से 3 सेकंड, और इंटीग्रेट कर दिए, है ना, इंटीग्रेट कर दिए, और केवल वेलोसिटी ही पूछ लेगा तो क्या दिक्कत, लल्लू सवाल होता है, है ना, जैसे मान लो इसमें पूछ देता कि फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड, कि चौथे सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, कैसे सही चौथे सेकंड पर, तो भी का मान बस रख देते 4 का स्क्वायर + 3, तो 4×16 = 19 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा, वेलोसिटी देकर के डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, आप ये बात समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपको एसटी इक्वेशन दे देगा, है ना, आपको एक बात मैं आपको सिखा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसे क्या है कि आप सवाल लगाना सीख जाओगे आसानी से, क्या कि आपको अगर एसटी इक्वेशन पता रहे और आपको वीटी इक्वेशन में आना है, तो एसटी इक्वेशन से वीटी इक्वेशन आने के लिए आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, जैसे हम एसटी इक्वेशन का सवाल करवाए हैं पीछे, देखो पीछे कॉपी में जस्ट हम एसटी इक्वेशन दिए थे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का समीकरण दिए थे, आपको वेलोसिटी पूछे थे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया रहे और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर है एसटी इक्वेशन दिया रहेगा, वीटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब हम वी बराबर क्या लिख देंगे ds/dt, है ना, और अगर हमको वीटी दिया है एसटी पूछा है तो हमको कुछ नहीं करना है, s बराबर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी dt, बस यहां से सवाल बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ये फॉर्मूला ये वेलोसिटी निकालने का, हाँ ये इंस्टेंटेनियस वाला निकालता है, एवरेज निकालना हो तो s2 - s1/t2 - t1, तो ये फॉर्मूले से हम आसानी से सवाल कर लेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है, एसटी इक्वेशन से वीटी इक्वेशन आना है डिफरेंशिएशन, वीटी से एसटी जाना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों और हम लोग सवाल करेंगे एक्सेलरेशन का ना, तब हम सबको लिंक करेंगे एक साथ, और लिंक करेंगे तो और बेहतरीन सवाल बनेंगे, तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।